नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रियलिस्टिक सिनेमा के जाने माने लेखक, निर्देशक और निर्माता हंसल मेहता। हंसल मेहता ने अपनी शुरुआत की थी टेलीविज़न पर, एक उनका बहुत ही अच्छा शो था खाना खजाना से। उसके बाद वो फिल्मों में इतने व्यस्त हो गए कि वो टेलीविज़न की ओर मुड़कर भी नहीं देखा उन्होंने, और करीब करीब 18 या 19 फिल्में बनाई उन्होंने, और काफ़ी फिल्में पसंद की गई, और जिसमें उनकी जो फिल्म है शाहिद, उसको सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा बहुत पहले भी होता आया है और आज भी हो रहा है, लेकिन लिख से हटकर फिल्म निर्देशक और जो फिल्म मेकर हैं वो लिख से हटकर फिल्में बनाते हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती होती है कहानी की, किरदार की, लोकेशंस की और बजट की। सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब आप रियलिस्टिक घटनाओं पर जब फिल्में बनाते हैं तो आपको कहानी और किरदारों के साथ बहुत न्याय करना होता है। उसके बाद आपको जो बजट, मतलब जो फाइनेंस होता है, जो निर्माता होता है, या तो आप स्वयं निर्माता हों तो कोई बात नहीं, अगर बाहर का निर्माता है तो रिटर्न भी चाहता है, रिकवरी भी चाहता है, लेकिन जो ऑफबीट फिल्में होती हैं उसमें रिकवरी इतनी आसानी से नहीं होती, बहुत चुनौतियाँ होती हैं। मान लीजिए आपकी फिल्म बन जाती है, उसके बाद आपको रिलीज में बहुत तकलीफें आती हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो आर्ट सिनेमा और ये कमर्शियल सिनेमा, मल्टीप्लेक्सेस आने के पहले जो आर्ट सिनेमा होता है ना, उसको रिलीज के लिए थिएटर नहीं मिलते थे, क्योंकि उसकी ऑडियंस भी नहीं होती है। जो छोटे छोटे शहरों में आप देखेंगे सिंगल थिएटर में, वहाँ पर ऑडियंस ऑफबीट सिनेमा की बहुत कम होती है, उनको धूम धड़ाके डांस वगैरह ये सब चाहिए आता है। लेकिन जो मेकर होता है उसकी अपनी जो च्वाइस होती है सिनेमा की, कि मुझे इस तरह का सिनेमा पसंद है, तो पहले भी उस तरह के मेकर रहे हैं, और आज जो हंसल मेहता हैं वो वाकई अभी मैं कहूँगा कि नंबर वन डायरेक्टर हैं वो, कि इस तरह की रियलिस्टिक घटनाओं पर फिल्में बना रहे हैं। उनकी फिल्म शाहिद, जैसा कि मैंने बताया, अलीगढ़, सिटी लाइट, सिमरन, करीब और फिल्में हैं, लेकिन इन फिल्मों को ज़्यादा चर्चित नहीं है और चर्चा रही है। इस तरह के जो रियलिस्टिक घटनाओं पर जो फिल्में बनती हैं ना, वो बनने के पहले घोषणा के साथ ही विवादों के घेरे में आ जाती है, बनते बनते विवाद चलते रहते हैं, और रिलीज के तुरंत बाद एकदम विवाद बढ़ जाता है। तो कई बार इस विवाद से मेकर को फ़ायदा भी होता है, कि जो लाखों करोड़ों की पब्लिसिटी है उसको फ्री मिल जाती है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट वाकई इतने गंभीर होते हैं और रियलिस्टिक होते हैं कि इंसान अपने जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर झांकने लगता है, और ये ऐसा हुआ था क्योंकि इन घटनाओं को वो अखबारों के माध्यम से पढ़ चुका होता है। आज मल्टीप्लेक्सेस के दौर में जो ऑफबीट सिनेमा है वो निश्चित रूप से बहुत सफल है, उसके दर्शक बहुत हैं, उसे दर्शक मिलते हैं और फिल्म हिट भी होती है, सराही जाती है, क्रिटिक्स उसको बहुत पसंद करते हैं। तो हंसल मेहता निरंतर ऐसे सब्जेक्ट उठाते हैं जो कमर्शियल डायरेक्टर उठाने की हिम्मत भी नहीं करता है, और आज हंसल मेहता बहुत सफल भी हैं। हंसल मेहता हमेशा जो दर्शकों को किरदारों और कहानी के माध्यम से बांधे रखते हैं अंत तक, ऐसा है ऑफबीट फिल्में स्लो होती हैं, एकदम पकड़ती नहीं है, जैसे कि आप कमर्शियल सिनेमा में डांस फाइट ये सब आते ही धूमधाम हो जाती है, लेकिन ऑफबीट सिनेमा में ऐसा सब नहीं होता है, तो ये चुनौती होती है। ऑफबीट फिल्म में अब जो कहना थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि अब दोनों सिनेमा एक साथ चल रहे हैं, पहले कहा जाता था कि भाई सिंगल थिएटर में ऑफबीट फिल्में नहीं चलती है, आज ऐसा नहीं है, मल्टीप्लेक्सेस में उनको थिएटर भी मिलते हैं, शोज भी मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, इन फिल्मों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, वहाँ पर इनकी फिल्में सराही जाती हैं, और वहाँ जब इनकी फिल्में सराही जाती है तो इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कहानी को, इनके निर्देशन को और इनके कलाकारों को
वाही वाही मिलती है, बहुत प्रशंसा मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हो जाते हैं। अनुराग कश्यप अपनी उनकी कई फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं और उनका नाम ही अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल से बहुत हुआ है। हंसल मेहता निरंतर ये साकार करते जा रहे हैं, तो हमारी शुभकामना है कि वो असली घटनाओं को पकड़कर समाज में, देश में जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, जो समाज में अच्छी दिशा नहीं देता है, जिसके साथ इस तरह की घटनाएं होती है, उन विषयों को उठाते हैं और समाज में जो लोग हैं और हमारे देश के जो लोग हैं उनकी आंखें खोलते हैं कि देश में ऐसा भी हो रहा है और ऐसा दोबारा ना हो। तो हमारी शुभकामनाएं हंसल मेहता जी के साथ कि वो इस तरह के सब्जेक्ट बनाते रहें। हम भी उनसे पहले से जुड़े थे, इसीलिए हमने उनकी इस सच्ची फिल्म मेकिंग को समझते हुए उन्हें हिंदी दिवस 14 सितंबर को मुंबई में हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। धन्यवाद।